अस्सलामु अलैकुम। आज हम हुसैन टिगरी शरीफ में मौजूद हैं। आज 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बड़े ही शान व शौकत से मनाई जा रही है। अब आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे लेकर चलते हैं। सारा जमाना हुसैन, बोले 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 सारा जमाना हुसैन। मेरा मौला हुसैन, मेरा मुर्शिद हुसैन, मेरी जान हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन। ने रखा तेरे नाम को दीबका, तूने इस्लाम को रब ने रखा तेरे नाम को। कौन है आप जैसा हुसैन, बोले सारा जमाना 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 हुसैन। मिसले जन्नत तुम्हारी फिजा, तेरी मिट्टी है खाके शिफा, मिसले जन्नत तुम्हारी फिजा, तेरी मिट्टी है खाके शिफा, है ये जाज तेरा हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन। जुल्मतों में उजाला है तू, मुश्किलों में सहारा है तू, जुल्मतों में उजाला है तू, मुश्किलों में सहारा है तू। कश्ती किनारा हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा
हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन तीन अस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हाका के बिनाए लाइला अस्तु हुसैन हाका के बिनाए लाइला के अस्तु हुसैन Yeah.
बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन। मेरा आका हुसैन, मेरा मौला हुसैन, मेरा मुर्शिद हुसैन, है मेरी जान हुसैन। बोले सारा जमाना हुसैन, तेरी मिट्टी है खाके शिफा, है ये जाज तेरा हुसैन। बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा जमाना हुसैन, बोले सारा हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हाका के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सामईन हजरात अस्सलाम अलैकुम। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तीन शबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत को प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। आज हम मिलेंगे जनाब रफीक साहब से, जो कि हुसैन टीके शरीफ के कोषा अध्यक्ष हैं। तो जनाब रफीक साहब, आप हमें बताइए कि आज के हवाले से आप कुछ आवाम को पैगाम देना चाहेंगे। सबको, आवाम को, मेरे जो मौला के जायरीन हैं सबों को सरकारी इमाम हुसैन की विलादत मुबारक हो। और इस मौके भी यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मतलब यहाँ पर मौला की विलादत के अंदर शामिल होकर यहाँ पर सब तमाम आलम इस्लाम को अलहदी हज़ादारी टीवी की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम लोगों को आज की बाबरकत विलादत बासादत के हवाले से मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं और गुज़ारिश करता हूं
कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस महफिल के ख़ास अशार इस चैनल के ज़रिए सुने, जिसमें तमाम शुआरा ने अपने खराज अकीदत पेश किए हैं। और एक बार फिर मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चार मिसरे के हवाले से कि लायक़ एतबार अच्छे हैं, मेरे सब ज़िम्मेदार अच्छे हैं, तुम सवारी न देखो बोले रसूल, ये भी देखो सवार अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। आज हुसैन टीवी शरीफ में बड़ी ही शान शौकत से आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का क्या का जश्न जो है अंजाम दिया जा रहा है। अब हम मुकद्दम परिवार से जनाब अफजल मुकद्दम साहब से अपना इनसे बात करेंगे। जवाब अफजल मुकद्दम साहब, आप कुछ आवाम का पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये आज इतनी मखसूस और ख़ुशी का दिन है कि हमारे आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो आज उनका विलादत का जो शब है और शान शौकत से हम यहाँ जश्न करते हैं, और हम पूरे परिवार, मेरे वालिद साहब यूसुफ़ अली मुकद्दम साहब, मेरे चाचा अमीर अली मुकद्दम, मैं, मेरा भाई मुनव्वर मुकद्दम, ये लोग सब मिलके इसको दिलो जान से तवज्जो देते आए हैं। जिस तरीके से हमारे वालिद साहब और चाचा इतने पिछले 50-60 साल से करते आ रहे, हम दोनों इसी तरीके से आगे करते रहेंगे। सब लोगों की यही दुआ है और सब लोगों के साथ है, और इसी तरीके से हम आगे ज़िंदगी बढ़कर करते रहें। आप सब लोग दुआ करें हमारे लिए। अब हम मिलने जा रहे हैं जनाब आले जनाब मौलाना मनाज़िर अख्तर हाफिज़ साहब से, जो फतेहपुर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। क्या मनाज़िर अख्तर साहब, आप कुछ आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے یہ آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیغام کی صورت یہ ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کہ ہم سب کو پورے عالم اسلام کو کم از کم مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام پر غور و فکر کرنا چاہیے، انسانیت کا امن و امان کا درس دینا چاہیے، اور جتنا ہو سکے بھائی چارگی کی باتیں کی جائیں اور آپسی اختلافات کو ختم کیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو ہونا یہ چاہیے کہ فکری اعتبار سے بھی سب حسینی ہوں اور عملی اعتبار سے بھی سب حسینی ہوں، اور آپس میں اختلاف جو ہے وہ بہت بری شے ہے، اس سے دیگر اقوام جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ہمارے معاملات بھی اچھے رہتے نہیں، یہ درس صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپسی اتحاد کے لیے جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی وصیت میں یہ فرمایا تھا کہ آپس میں باہمی اتحاد رکھنا عام طور پر نماز روزوں سے افضل ہے، تو ظاہر ہے کہ آپسی اختلافات کو ختم کریں اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر غور و فکر کریں، امن و امان کا پیغام پوری دنیا میں نشر ہونا چاہیے۔ الحادی عزاداری کے تمام ویورز کو سب سے پہلے میرا سلام۔ سلام کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تین شعبان کی شب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت نزدیک ہے۔ حسین ٹگری شریف میں اس ٹائم وہ نورانی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس کو سارے زائرین خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسے نورانی منظر کو شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے، اور آج یہ محفل پر نور محفل پوری رات چلنے والی ہے۔ اس محفل میں تمام ہندوستان کے مشہور و معروف شعرا اکرام موجود ہیں اور اپنا خراج عقیدت امام حسین علیہ السلام کو بکلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ منظر ایسا منظر ہے کہ اس کو آپ اپنے روحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو میں سبھی جتنے بھی ویورس ہیں ان سب کو ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام جتنے بھی جو زائرین یہاں پر آئے ہیں ان سب کو بھی خیر مقدم اور ان کو ولادت کی مبارکباد اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں۔
भाई ने पढ़ने नहीं दिया था तो पूरे साल मुझे इस बात की तकलीफ रही। और मेरी अहलिया ने भी कहा कि भाई तुम्हें जो शेर लिख के दिए थे तुमने पढ़े नहीं, तो मैंने कहा मुझे मौके नहीं मिला। तो भाई इस महफिल में आने के क्या फायदे हैं भाई, इस महफिल में आने के क्या फायदे हैं? आंखों को नूर दिल को सुरूर मिलता है, महफिल में आने के क्या फायदे हैं? इस चाहे फर्श अज़ा हो, चाहे हमारी महफिल हो या हमारी मीलाद हो, हमको वो चीजें सलीके मिलते हैं। सुनिएगा कि आंखों को नूर दिल को सुरूर मिलता है और पाका दिल सर्फ हर एक को जरूर मिलता है। आंखों को नूर दिल को सुरूर मिलता है, पाका दिल सर्फ हर एक को जरूर मिलता है। समझ गए होंगे हम, अरे आंखों को नूर दिल को सुरूर मिलता है, बाकी दिल सर हर एक को जरूर मिलता है। ये दरसे गाहे हुसैनी है, समझ लो लोगों, जो बेशऊर है उनको शऊर मिलता है। देखिए कलाम पेश किया गया और इतनी सफाई से, कोई साफ बात आज के दौर में नहीं करता, जैसे शबाब साहब ने कहा कि मिसरे अहलिया ने लिख के दिए थे वन पढ़ नहीं सका। यहाँ तो लोग उस्ताद का भी नाम खा जाते हैं। और माशाल्लाह से देखिए इख्तिसार और शिरकत दोनों चीज़ों का मुजाहरा किया और मैंने भी फहरिस्त बदल दी, लेकिन वो नाम पेश करूँगा यकीनन आप मुतमइन भी होंगे और खुश भी होंगे। मैं एक ऐसा तहत आपकी बारगाह में पेश करूँ जिसे मैं भी बहुत खुशी से सुनता हूँ और हमेशा सुनता आया हूँ, मगर अभी तक तशनगी बाकी है। मगर दो मिसरे मुझे इसलिए अर्ज करने के रजा साहब के वो मिसरे मुझे याद रह गए। मैं मौलाना निसम सैदी साहब का एक मतलब तो शेर इत्मीनान से आँख बंद करके सुन लें, मुझे दाद नहीं सिर्फ एहसास चाहिए। आप सुने बारगाह मौलाए कायनात में तवज्जो, कहकशा थी नमाहो अंजुम थे, कहकशा थी नमाहो अंजुम थे, खल्क में कुछ न था मगर तुम थे। कहकशा थी नमाहो अंजुम थे, खल्क में कुछ न था मगर तुम थे। तो नूरे अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम, नूरे अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम थे। तमामी अजादार यहां पर तशरीफ फरमा है, बात पहुंच जाए तो एक मिसरा सुन ले, आप पहुंचो तो सुन ले के नूरे अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम थे। तो गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा, गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा, वो तेरे जुलजना के सुन थे। गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा, गर्द पर जिसकी, सबके लिए ये मिसरे नहीं मुझे पता है, मगर तुम्हारे मिसरे रजा भाई तुम्हारे मिसरे से मिसरा मिला दिया, बात याद आ गई, फिर सुन लो। खल्क में कुछ न था मगर तुम थे, नूरे अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम थे। अरे गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा, वो तेरे जुलजना के सुन थे। खौफ के शहर में भी लब तेरे, खौफ के शहर में भी लब तेरे, मालिक दौलत तबस्सुम थे। सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। खौफ के शहर में भी लब तेरे, मालिक दौलत। आख
आखिरी शेर आंखें बंद करके सुनो, बात पहुंच जाए तो जरूर बोल देना। मालिक दौलत तबस्सुम थे जब तुम बयां कर रहे थे शान खुदा, तुम बयां कर रहे थे, आंखें बंद कर लो, तुम बयां कर रहे थे शान खुदा, हम तुम्हारे ख्याल में गुम थे। मौलाना हसन मेहनी साहब कबला मीरपुरी आज से गालिबन 5 बरस पहले जश्न में हाजिरी हुई थी, वो आपके ऊपर तशरीफ ला रहे हैं। आप उससे गुजारिश है जितना आप सुनना चाहते हैं उस तरह परम करीम सलावत हज़रात सलामुलैकुम। पहले मैं आप तमामी हाज़रीन और शुरगाह बारगाह में सभी पातहू बारगाह कुल इज्जत में दुआ हूँ परवरदिगारा इस मौलूद के सदक़े में हर एक के दामने मुराद को भर दे। महबूद जिसने जिस जिस एतबार से शिरकत की है उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। और मेरे मालिक हमें आखिरी सांस तक आका का गुलाम रहने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हुसैन मम्लकत सब्र का सुलेमान, हुसैन मम्लकत सब्र का सुलेमान, बकाए दीने पैगंबर इसी में पिनहा, न हो हुसैन तो इस्लाम एक बियाबान है, खुदा का दीन किसी फूल से गुलिस्तान है, उलूहियत का दिलों से यकीन मिट जाता, अगर हुसैन न होते तो दीन। आप लोग उलूहियत का दिनों से बड़ी तमहीद के बाद मुसद्दत शुरू करता है, चाहे बिना तमहीद मैंने मुसद्दत के बाद शुरू कर दिए है कि हुसैन ममलकत सब्र का सुलेमा है, बकाए दीने पैगंबर इसी में पिनहा है, न हो हुसैन तो इस्लाम एक बियाबान है, खुदा का दीन इसी फूल से गुलिस्तान है, उलूहियत का दिनों से यकीन मिट जाता, अगर हुसैन न होते तो दीन मिट जाता, हुसैन दीन भी है दीन की अमान भी है, हुसैन राज़े मशीयत का तर्जुमान भी है, हुसैन कहाँ है मेरा मजमा, हुसैन दीन भी है दीन की अमान भी है, हुसैन राज़े मशीयत का तर्जुमान भी है, हुसैन साये अजमत भी साएबान भी है, ये मोजेजा है कि मुमकिन भी लामकान भी। भूल नहीं भूल नहीं, हुसैन दीन भी है दीन की अमान भी है, हुसैन राज़े मशीयत का तर्जुमान भी है, हुसैन राज़े मशीयत का तर्जुमान भी है, हुसैन साये अजमत भी साएबान भी है, ये मोजेजा है के मुमकिन भी लामकान भी है, निगाहे कादिरे मुतलक में बाखुदा महदूद बशर की फिक्र से बारा हुसैन ला महदूद, निगाहे कादिरे मुतलक में बाखुदा महदूद बशर की फिक्र से बारा हुसैन ला महदूद,
हुसैन पेशे इलाही मुहबिल कर देखो, हुसैन पेशे इलाही मुहस्सिले अहकाम, बशर की शक्ल में बंदों का फिर दलील इमाम, उसूद हक के लिए महवरे कयाम और दवाम, मेरे हुसैन के हाथों में कुल जहां का निजाम। हुसैन पेशे इलाही मुहस्सिले अहकाम, बशर की शक्ल में बंदों का भी दलील इमाम, उसूल हक के लिए महवरे कयाम और तमाम, मेरे हुसैन के हाथों में कुल जहां का निजाम। खुदा गवाह है मर्जी ये रब हुसैन की है, जो मिल्कियत है अली की वो सब। जो मिल्कियत है अली की, वो सब हुसैन की है। हुसैन महरम असरारे किबरिया भी है, उबूदियत के सफीनों का नाखुदा भी है। कहाँ है मेरा मजवा? हुसैन महरम असरारे किबरिया भी है, उबूदियत के सफीनों का नाखुदा भी है, ये जात खिलकते आलम का मुद्दा भी है, हुसैन अर्ज समावाद की बका भी है। बता दिया कि वो अब्द सईद होता है, जो बाद कत्ल भी बोले शहीद हो। जो बादे कत्ल भी बोले से आखिरी बंद, जो बादे कत्ल भी बोले शहीद होता है। हुसैन नाम है ईमान की जवानी का, हुसैन नाम है ईमान की जवानी का, हुसैन नाम है ईसार की गरानी का, हुसैन नाम है एहसास की गरानी का, हुसैन नाम है एहसास की गरानी का, हुसैन नाम है हर दौर की कहानी। हुसैन नाम है ईमान की जवानी का, हुसैन नाम है ईसार की रवानी का, हुसैन नाम है एहसास की गरानी का, हुसैन नाम है हर दौर की कहानी का। कसम खुदा की शेर मशरक बाकी है, हिजाब खैर में अभी हुसैन। कसम खुदा की शहर मशरकैन बाकी है, कसम खुदा की शहर मशरकैन बाकी है, हिजाब गैब में अब भी हुसैन बाकी है, हिजाब गैब में जब भी हुसैन बाकी है। कमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, कमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं। कमे हुसैन सुने सुने मैं देखूं ना देखूं वो देख रहे हैं, फैसला तुम्हें करना है कैसे सुनना है। गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं सकता, सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, कोई भी अजमत काबा बचा। गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं सकता, सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, कोई भी अजमत काबा बचा नहीं सकता। अलम के साए में जिंदा है 14 सदियों से, अलम के साए में जिंदा है 14 सदियों से, अलम के साए में जिंदा है 14 सदियों से, हुसैनियों को जमाना मिटा। हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी
भी मुस्कुरा नहीं सकता। सदा खनीन की आई हुसैन तेरे सेवा, कोई भी अजमत करवा बचा नहीं सकता। अलम के साए में जिंदा है 14 सदियों से, हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता। हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को, हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को जमाना लात उठाए उठा। हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता। हुसैन वालों की नजरों से सुनो सुनो, हुसैन वालों की नजरों से गिरने गिरने वालों को जमाना लाख उठाए उठा नहीं सकता। किसे खबर नहीं हुरकौल हुरमुला क्या है। हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को जमाना लाख उठाए उठा नहीं सकता। जिसे खबर नहीं हुर कौन हुरमुला क्या है, कभी हुसैन की मजलिस में आ। कभी हुसैन की मजलिस में आ नहीं सकता। वो जिसके खून में शामिल है जुल्म का पानी, गमे हुसैन में आंसू का। वो जिसके खून में शामिल है जुल्म का पानी, वो जिसके आमदा होना वो जिसके खून में शामिल है जुल्म का पानी, हमें हुसैन में आंसू बहा नहीं सकता। पुकारा अपने हुसैनी वो पूरे जुल्म और सितम मेरा चटाओ बसर भी झुका। Okay.
सर भी झुका नहीं सकता। यजीदियत का हर द्वार खाली जाएगा, हुसैनियत का कदम टकमगा नहीं सकता। ये बोले सैयद सज्जाद आज मिंबर पर, यजीद अब तुझे कोई रोका। रास्ता दुश्वार है, परचमे राजी हमारा काफिला सा। करबला अब भी सितम से परसरे पैकार है, अपने मरकज पर अभी भी शाह का इनकार है। गम नहीं कोई अगरचे रास्ता दुश्वार है, पर चले गाजी हमारा काफिला सालार है। तख्त शाही है हमारी ठोकरों में आज भी, अजादारों को जहरा की दुआ। तख्त शाही है हमारी ठोकरों में आज भी, हम आजादारों को सहरा की दुआ दरकार है। हाथ मलकर रह गई जुल्मों सितम की आंधियां, तो से तूफान पर चला रहे दीने हक बेदार है। हाथ मलकर जुल्मों सितम की आंधियां, तो से तूफान पर चला रहे दीने हक बेदार है। तो ये तो कैदी है, इन्हीं से ले ले बैत है यजीद। ये मलकर रह गई जुल्मो सितम की आंधिया, तो से तूफा पर चलाने दीने हक बेदार है। ये तो कैदी है, ये तो कैदी है, इन्हीं से ले ले बैत है यजीद। सल्तनत तेरी है, तेरा घर तेरा दरबार। भाई ये तो कैदी है, इन्हीं से ले ले बैत है यजीद। सल्तनत तेरी है, तेरा घर तेरा दरबार है। एक कैदी ने तेरी औकात बदला दी यजीद, तूने सोचा था ये क्या बोलेगा ये बीमार।
तो कैदी है, इन्हीं से ले लेता है ऐसा यजीद। अब सल्तनत तेरी है, तेरा घर तेरा दरबार है, एक कैदी ने तेरी औकात बतला दी यजीद। तूने सोचा था ये क्या बोलेगा, ये बीमार है, सैयद सज्जाद के खुतबों ने साबित कर दिया, किसको जंजीरों में जकड़ा है वही मोहरा। तूने सोचा था ये क्या बोलेगा, ये बीमार है, खुदीद सज्जाद के खुतबों ने साबित कर दिया, जिसको जंजीरों में जकड़ा है वही मुख्तार है। तो किसमें हिम्मत है जो रोके ताजिया शब्बीर का, मुफ्तियों फतवा तुम्हारा नेती निरा। हिम्मत है जो रोके था करबला, अब भी सितम से बरसरे पैकार है, अपने मरकज पर अभी भी शाह का इनकार है, गम नहीं कोरी अगर ये रास्ता दुश्वार है, सतने काशी हमारा काफिला सालार है, तख्तशाही है हमारी ठोकरों में आज भी, हम आजादारों को जहरा की दुआ दरकार है, हाथ बन कर रह गई सरमो सितम की आधिया, दीन हकदार है, ये तो कैदी है कि नीचे ले ले पाए है यजीद, सल्तनत तेरी है तेरा घर तेरा दरबार है, एक कैदी ने तेरी औकात बतला दी यजीद, तूने सोचा था ये क्या बोलेगा, ये बीमार है, सैयद सज्जाद के खुतबों ने साबित कर दिया, जिसके जंजीरों में जकड़ा है, जिसके जंजीरों में जकड़ा है वही मुख्तार है, वही मुख्तार है। ले गया ताजे शजाअत सैयद अबरार से, छह महीने का मुजाहिद किस कदर फनकार है। किसमें हिम्मत है जो रोके ताजिया शब्बीर का, मुफ्तियों फतवा तुम्हारा रेत की दीवार है, ले चुका दादे शजाअत सैयद अबरार से, छह महीने का मुजाहिद किस कदर फनकार है, रश्क करता है जमाना और तेरी। ले गया दादे शजाअत सैयद अबरार से, छह महीने का मुजाहिद किस कदर फनकार है, छह महीने का मुजाहिद किस कदर फनकार है, दश्त में कहती थी फौजे शाम से तेरे हुसैन, छह महीने का मुजाहिद किस कदर फनकार है, तो दश्त में कहती थी फौजे शाम से तेरे हुसैन, ठहरो ठहरो सर तुम्हारी गर्दनों पर बार है। दश्त में कहती थी फौजे शाम से तेरे हुसैन, ठहरो ठहरो सर तुम्हारी गर्दनों पर पार है, तो तुम अभी से ढूंढते हो भागने का रास्ता, ये अली के लाडले बेटे का पहलवान। तुम अभी से ढूंढते हो भागने का रास्ता,
ये अली के लाडले बेटे का पहला वार है, ये अली के लाडले बेटे का पहले पहला वार है। कश्नगी के नाम का है बोल बाला आज तक, कश्नगी के नाम का है बोल बाला आज तक, प्यास के गिरदाब में है जर्रा जर्रा, अली के नाम का है बोल बाला आज तक, प्यास के गिरदाब में है जर्रा जर्रा आज तक। गौर से देखे जमाना जुल्म के रुखसार पर है आया नन्ही सकीना का तमाशा, सकीना के रुखसार पर नहीं, सकीना के रुखसार पर नहीं, जमाना जुल्म के रुखार पर है आया नन्ही सकीना का तमाशा आज तक। 14 सदियां हो गई लेकिन वफा के मुल्क में हजरत अब्बास का चलता है सिक्का, 14 सदियां हो गई लेकिन वफा के मुल्क में हजरत अब्बास का चलता है सिक्का आज तक। जिस तरह अब्बास की तहरीर लश्कर बन गई फिर जमीन पर यूं किसी ने खत न खेचा, सुन लो, जिस तरह अब्बास की तहरीर लश्कर बन गई फिर जमीन पर यूं किसी ने खत न खेचा आज तक। तो पंचतन की हुक्मरानी है अभी कौन में, इसलिए गाजी के परचम में है पल्ला, सकीना का तमाशा आज तक। जिस तरह अब्बास की तहरीर लश्कर बन गई फिर जमीन पर यूं किसी ने खत न खेचा आज तक। 14 सदियां हो गई लेकिन वफा के मुल्क में हजरत अब्बास का चलता है सिक्का आज तक। जिस तरह अब्बास की तहरीर लश्कर बन गई फिर जमीन पर यूं किसी ने खत न खेचा आज तक। पंजतन की हुक्मरानी है अभी कौनैन में, इसलिए गाजी के पश्चिम में है पंजा आज तक। रश्क करता है जमाना हुर तेरी तब्दील पर, रूला पर हंस रहा है बच्चा बच्चा, पंजतन की हुक्मरानी है अभी कौनैन में, इसलिए गाजी के पंजों में है पंजा आज तक। रश्क करता है जमाना हुर तेरी तकदीर पर, फुरमुला पर हंस रहा है बच्चा बच्चा आज तक। हाथ कांपा तीर छूटा चीख उठा फुरमुला, सूरमा मिसरे अली असगर न देखा, अपनी मन खपत का, अपनी मन खपत का, अपनी विशिष्ट मन खपत का सबसे कीमती शेर पेश करने जा रहा हूं, जाया न कीजिएगा वरना बारगाह में शिकवा करूंगा। रश्क करता है जमाना हुर तेरी तकदीर पर, फुरमुला पर हंस रहा है बच्चा बच्चा आज तक। हाथ कांपा तीर छोटा चीख उठा फुरमुला, सूरमा मिसले अली असगर न देखा आज तक। तो इसलिए चाहते हैं आंसू रोज़े हुर की तरह, हुर की पेशानी पर दो आ जाओ, यहाँ दो आ जाओ, बस दो। रश्क करता है
तकदीर पर, रश्क करता है जमाना हुर्रे की तकदीर पर, फुर्मुला पर हंस रहा है बच्चा बच्चा आज तक, हाथ कांपा तीर छूटा भाई चीख उठा बड़ा, सूरमा मिसले अली अकबर ना देखा आज तक, इसलिए आखिर इसलिए जाते हैं आंसू, इसलिए तमाम सजदा गुजारों की, तमाम सजदा गुजारों की नजर करता हुए शेर मुलाजा परवाने के, इसलिए जाते हैं आंसू रोजाए हुर की तरफ, हुर की पेशानी में है रूमाल सहरा, आज तक तो जुल्म से सजदा न उठा, सर उठा कर ले गया, सजदा न उठा सर उठा कर ले गया, मुस्कुराता है सरे मख्तल मुसल्ला, आज तक मुस्कुराता है सरे मख्तल मुसल्ला आज तक। और मेरे भाई मनहरा की ताकत नहीं है, लेकिन मौला हुसैन की बारगाह है, चाहने वालों की हौसला अफजाई है, मनाजी साहब की फरमाइश है। असल में अफजल भाई, जब पिछली मरतबा आपकी जश्न में मैं आया था, तो जश्न के बाद सुबह के वक्त नमाज के बाद चाय पीते पीते तस्करा मौला अब्बास का चढ़ गया, जहन में एक मिसरा आ गया, उसी वक्त कुछ मैंने अशआर कहे, छह सात तो उसी वक्त कहे थे, 12 तो आज मैंने कह लिए हैं, लेकिन बस 3 या 4 शेर सुनाऊंगे या 5 शेर, क्योंकि मनाजिर साहब का हुक्म है और हक ये है, इसी बारगाह से मिला है, लिहाजा यहाँ न पढ़ूंगा तो ये इंसाफ ना होगा, और ऐसे चाहने वालों के दरमियान न पढ़ू तो भी इंसाफ ना होगा। सुनो वो देखो भीच के झूले में मुट्ठियां अब्बास, मैं जानता हूँ इंशाल्लाह हर उम्र का अपने आप को जवान न समझे तो मेरा जिम्मा, वो देखो भीच के झूले में मुट्ठियां अब्बास, वो देखो भीच के झूले में मुट्ठियां अब्बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेजबान, पढ़ूंगा 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 बेदार होना पढ़ूंगा, झूले में मुट्ठियां अब्बास, वो देखो वो देखो वो देखो भीच के झूले में मुट्ठियां अब्बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेजबां अब्बास, करोगे वार निगाहों का तुम जो लश्कर पर, गिराएगा ये तबस्सुम की बिजली, मुठिया अब्बास तुम्हारी तरह मचलता है बेजबा अब्बास, करोगे बार निगाहों का तुम तो लश्कर पर, गिराएगा ये तबस्सुम की बिजलियां अब्बास, यजीद वक्त से पहले ही मर गया होगा, गिराएगा ये तबस्सुम की पिछलियां अब्बास, यजीद वक्त से पहले ही मर गया होता, जो देखता तेरे असगर की त्योरिया, यजीद वक्त से पहले ही मर गया होता, जो देखता तेरे असगर की त्योरिया अब्बास, तो कसम खुदा की तेरे 6 महीने वाले से नजर मिला नहीं सकता कोई का, हैदर 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 हैदर
कसम खुदा की तेरे छह महीने बैठो बारगाह में ना, बारगाह में बैठे हो ना, कसम खुदा की तेरे छह महीने वाले, नजर उड़ा नहीं सकता कोई जमा अब्बास, गुरुए जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती है, गुरुए जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती है तुम्हारे शानों की खामोश मछलियां। हजारों हजारों हाथ, हजारों हाथ अता कर दिए खुदा ने तुम्हें, तुम्हारे शानों के कातिल हैं बेनिशान अब्बास। जो शेर पढ़ना चाहता हूँ वो घड़ी आ गई है, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे। वो देखो बीच के झूले में मुठियां अब्बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेजबा अब्बास, करोगे वार निगाहों का तुम जो लश्कर पर, गिराएगा ये तबस्सुम की बिजलियां अब्बास। यजीद वक्त से पहले ही मर गया होता जो देखता तेरे असवर की त्योरियां अब्बास, कदम कदम खुदा की तेरे छह महीने वाले से नजर मिला नहीं सकता कोई जमा अब्बास, गुरूर जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती है तुम्हारे शानों की खामोश मछलियां पास, तो तुम्हारे चुल्लू के पानी में उबलने कितना था, चटक चटक गई मौजों की मछलियां।